शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवा को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवा को आगे नहीं ले जा सके, तो पीछे भी मत जाने देना। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्यों में लगा रहता है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो।
कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वह न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन और गहन विश्वास। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित हैं, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रसार प्रचार मानता हूं। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बनाया है। जिनके पास कुछ भी नहीं वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते हैं। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। इतिहास गवाह है जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मशास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना लगाया गया हो। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है।
देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।